जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं एडिशन रिएक्शन। तो आइए जानते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बच्चों जो अनसैचुरेट कंपाउंड होते हैं, चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन हो, मेनली वो रिएक्शन देते हैं एडिशन रिएक्शन, जिससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनसैचुरेट से सैचुरेट कंपाउंड्स में। During addition reaction, sp or sp2 hybridized carbon atoms are converted into sp3 hybridized। अभी आपको बताया था कि जो हमारे अनसेचुरेट कंपाउंड होते हैं, चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन हो, वो जब तक एडिशन रिएक्शन देंगे जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाएं सेचुरेट कंपाउंड में। एल्कीन और एल्काइन में बच्चों, एल्कीन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और एल्काइन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जब ये एल्कीन और एल्काइन से कन्वर्ट होंगे हमारे सैचुरेट कार्बन कंपाउंड में, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाता है। अभी क्लियर करते हैं एग्जांपल के साथ। यहाँ पे हमने ये सब्सट्रेट लिया हुआ है, ये हमारा रिएजेंट है, एडिशन रिएक्शन होता है, और ये रिएजेंट जो है यहाँ पर ऐड हो जाता है और प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। जो हमारा सब्सट्रेट है ये एल्कीन है, एल्कीन में आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया है डबल से, और कार्बन इस कम प्रोडक्ट के अंदर है sp3 हाइब्रिडाइज। तो यही आपको ऊपर समझाया था कि जो भी अनसेचुरेट कंपाउंड होते हैं उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp या sp2 होगा, एल्काइन में sp होगा, एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और वो तब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि उसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज ना हो जाए या फिर वो सैचुरेट कंपाउंड ना बन जाए। sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर फेवर्स इट टू कन्वर्ट इनटू लो एनर्जी कंटेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको बताया कि जो हमारा अनसैचुरेट सबस्ट्रेट होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, या तो sp या फिर मिलेगा sp2। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, इसकी एनर्जी हाई होती है। और आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर दो फैक्टर मेन होते हैं, एक हमारा थर्मोडायनेमिक फैक्टर होता है और दूसरा हमारा होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन एज पर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा फैक्टर थर्मोडायनेमिक है वो सपोर्ट करता है लो एनर्जी को, तो यहाँ पे चूंकि इनकी एनर्जी सबस्ट्रेट की हाई एनर्जी है तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा लो एनर्जी प्रोडक्ट में, यानी कि एडिशन रिएक्शन इजीली होता है क्योंकि वहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई होती है। एडिशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ध्यान रखिएगा बच्चों, एडिशन रिएक्शन जो होती है उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। आइए क्लियर करते हैं एग्जांपल के साथ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इथीन की दो एडिशन रिएक्शन शो की है, एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा HBr के साथ। तो ये पहली जो रिएक्शन है बच्चों ये कहलाती है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इथीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो इसको सिंपली हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ये हमारा इथीन बन गया, और यहाँ पे डेल एच जो एंथैल्पी चेंज हुआ है, एनर्जी चेंज हुआ है इस रिएक्शन में, उसका वैल्यू है -32.7 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरी रिएक्शन में जब HBr का इथीन से एडिशन होता है और हमारा ब्रोमो इथीन बनता है, तो इस रिएक्शन में डेल एच का वैल्यू यानी एंथैल्पी चेंज का वैल्यू -19 किलो कैलोरी पर मोल है। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर एंथैल्पी चेंज का वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है, और अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाती। तो क्या आपको क्लियर है? अभी ऊपर डिस्कस किया था कि एडिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होता है, इट मीन्स दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इस तरह आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक फैक्टर इसको सपोर्ट करता है, तो sp और sp2 हाइब्रिडाइज जो सबस्ट्रेट होते हैं जहाँ पे एनर्जी हाई होती है वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि एनर्जी डिक्रीज हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए sp3 हाइब्रिडाइज प्रोडक्ट्स में। एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय आयोनिक और पोलर एडिशन एंड रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोथ। एडिशन रिएक्शन जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है आयोनिक या पोलर एडिशन से और दूसरी होती है रेडिकल एडिशन रिएक्शन से। बाय वन हम इनको देखेंगे आगे चल के। आयोनिक और पोलर एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एडिशन।
बच्चों जो हमारी एडिशन रिएक्शन होती है वो दो तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो हमारी पोलर या आयोनिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएजेंट होते हैं वो या तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, शामिल हो रहा है, तो वो रिएक्शन कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ हो बच्चों। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।